शिवन ने ओहो भाई एकदम लाल हो रहा है, देखो आप सारी असले पूरा छील दिया गाल। ये फ्लाइट भी मस्त है, इसके अंदर का पायलट दिखाऊं? बानू तो सब कुछ मचका डाला है यहाँ पे। डोरेमोन है आपका जो घुटना पक रहा है ना, उसके लिए भाई साहब वेटनरी के डॉक्टर हैं। जय श्री राम भाई लोगों, सभी भाई लोग कैसे हो? मस्त हो, मजे में हो? तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आया, और इस व्लॉग में भाई मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी तो आंख ही नहीं खुली सुबह भाई। ये दो दो काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। एक तो पूरी 12-13 घंटे की दुकान की ड्यूटी, और उसके बाद में व्लॉग, और फिर उसके बाद में एडिट। भाई पूछो मत, बहुत तगड़ी वाली हालत टाइट हो रही है। इतनी भयंकर नींद आई ना, पूछो मत आप। और फिर सुबह आंख खुली ही नहीं, और अभी पता क्या टाइम हो रहा है? 9:05, मुझे 9 बजे तो दुकान पहुंचना होता है, उससे पहले मुझे शिवा को छोड़ना है। तो आज तो भैया बैंड बजने वाली है, और अच्छी खासी बजने वाली है, क्योंकि अगर पापा का फोन आया और पापा को पता चला कि सुशील भाई सामने दुकान लेट खुली है, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आने के बाद पता क्या बोलेंगे मम्मी को? तारा छोरा दिए 3-4 दिन काम जम भी ऐसी शिकट दियो काम की। और मौसम विभाग की जानकारी ऐसी है कि भाई धीरे धीरे सुबह सुबह की ठंड होना शुरू हो चुकी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, मैं भी थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ कि भाई एसी पंखों का थोड़ा हिसाब किताब ही रखना भाई, ऐसा ना हो कि कहीं बीमार हो जाए फिर से, क्योंकि ठंड है जो भाई रात को 10-11 बजे से फील होने लग जाती है गाँव में, तो भाई ठंड तेज। ये देखो बानू राजा, बानू दो दो बिस्किट का क्या करोगे? एक बस में बेटा, दो दो बिस्किट नहीं खाते एक बस में, एक ऐसे ऐसे खा लो। और भाई दीदी का फोन आना शुरू हो गया, एक ही खा लो, दो दो का क्या करोगे बेटा? इतने बिस्किट खाना अच्छी बात नहीं है। आज आप जल्दी क्यों उठे? बैग गिर गया, कोई बात नहीं, सीधा कर लो। को कल लेना स्कूल में धमकी मिल गई कि आपको है ना, वरना विला शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहते? क्यों? पॉकेट में मिलती है ना? पॉकेट में नहीं मिलती है? और प्यार नहीं करता मैं आपको? दुकान पे चले जाते हैं यार। तो वापस नहीं आता? दुकान पे तो जाऊंगा ना यार बेटा, दो पैसे कमाने नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूं आपके लिए प्यार करने के लिए। पॉकेट मनी कहाँ से आएगी अगर दुकान और यूट्यूब पे नहीं जाएंगे तो? और भाई मोटा भाई है जो खाना वाना बनाने लेट, सॉरी मदर आज हम नाश्ता नहीं कर पाएंगे, हम लेट हो रहे हैं। ना 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 ना, क्यों कौन जाएगा? क्यों नहीं भूखो एक बार में जो भी मम्मी का शरीर बन रखा है, एक भी कपड़ा है ना भाई, एक भी कपड़ा प्रेस पे नहीं दे रखा, सबके सब कपड़े बांध के रख रखे, क्यों भाई? वो तो प्रेस की थी, तो पहले नहीं आदमी शिव लेट क्यों कर दिया आज? आपकी मम्मा इसलिए लेट कर दी, आपने लेट नहीं किया? स्लो स्लो आए थे आप बताओ, तो गाड़ी लेके आ जाती है, सफाई आज आज नहीं होती, लेट हो रही है तो तेरे को ही नहीं दिख रहा भाई मैं लेट हो रहा हूँ? हाँ इंसान को खुद का स्वार्थ दिखता है पहले, है फिक्स 9:09 रेडी है, 9 बजे तो आ जाती है 9 बजे तक। शिवा डोगी थोड़ी आया था, तो डोगी से दोस्ती कर लो, छोटा सा डोगी बहुत क्यूट है, आप जैसा ही एकदम बालू सा है, आप भी क्यूट डोगी लगते हो मुझे, एक बार डोगी की तरह कर दो। अब कहाँ चल रहे अपन ये बता दो, स्कूल? गोरी वाली मैम अच्छी नहीं लगती अभी? नहीं। को? मैं को डांटती है। आपको डांटती है? क्या बोलती है आपको? अच्छा आपको ऐसे बोलती है, बुक नहीं लाते हो? पता ही नहीं क्या बोल दिया आज, तो पता ही नहीं इसके क्या हो रहा है, थक गए क्या आज? हाँ। कल स्कॉर्पियो लाऊं क्या? नहीं। नाना गाड़ी लाऊं? नहीं, आपकी मम्मा आएगी। एक्स्ट्रा की दोस्त दे रहा है भाई मेरे को, कल भी मेरे को दोष दे रहा था सुबह जैसे व्लॉग बंद करा, मामा कह दिया ना कल तो एक्स्ट्रा आनी चाहिए। तो आजो मैंने ले लिया स्कूल बैग, आजो, हंसो मत बंदर की तरह, पकड़ो उंगली, आज शाम को आज बर्थडे पार्टी में लेके चलूंगा आपको एक। शिवा को तो कर दिया स्कूल ड्रॉप, और पता है आपको यूट्यूबर होने के बहुत सारे फायदे हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है ना भर भर के, एक तो कहीं भी चले जाओ तो ऐसे फील नहीं होगा कि आप अकेले हो या अनजान हो या इस जगह आपको कोई जानता नहीं है, ये तो भाई सबसे बड़ा बेनिफिट है। और अच्छा लगता है जब कोई पहचान लेता ना इजीली कि हाँ आप तो वो हो ना, और सामने वाला भी ऐसा लगता है भाई हाँ फैमिलियर है, क्योंकि वो अपने बारे में सब कुछ जानता है। अब आपको पता है इस गाड़ी की एक खतरनाक खासियत दिखाऊं, जबरदस्त, जब इसके नीचे कोई जैसे खड्डा आता है ना छोटा सा खड्डा, ऐसे लगता है जैसे कोई बम फट गया हो गाड़ी के नीचे, पता ही नहीं क्यों यार, शायद इसके सस्पेंशन ठीक करवाने पड़ेंगे। अब पापा इस गाड़ी को इसलिए नहीं बेचते, हमारे घर की मतलब जयपुर आने के बाद सबसे लकी गाड़ी यही रही है, पापा इसको बोलते हैं कि इसको बेचूंगा नहीं, चाहे इसको छत के ऊपर खड़ी कर लूं। दुकान आज लेट आई लेकिन दुकान उकान जल्दी लगा ली फुर्ती से, और यहाँ देखो हमारे चाय वाले के काम जगह जगह धब्बे कर रखे सीढ़ी पे जगह जगह, तो आज ये सीढ़ियां धोएंगे हम पूरी। लाला निका चमका दीजिए बेटा, टिना जा आज आ जाते भाई, जय मारो वो लाल हो जाए भाई, टावर पड़ा सीन देख लो, जय मारो पहले छोटो सो जो बैठो कांट कद बड़ो कोई बच दी। रेडीमेड कपड़ा की तो भाई जद भी आओ ना कलेक्शन एक नंबर ना करे, पसंद आ जाए लो थाने देखते हैं, टी शर्ट आई की दीएडी पहुँ मैं, मतलब रिपेले से दीएडी नहीं पर बढ़िया ले रहा हो यार कहीं भी को। दुकान सेट करते करते 1 घंटा लग गया, और अब सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं आपके, सुशील भाई व्लॉग इतना लेट क्यों डाला यार, आपको पहले कहा था कि 2-3 दिन की परेशानी है, तो भाई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि लेट भी आ सकता है, और हो सकता है फिक्स 8 बजे भी डाल दूं यार, होने का भी टाइम चाहिए, एडिट का भी टाइम चाहिए, फिर सुबह उठ के दुकान तो फिक्स टाइम पे खोलनी खोलनी, इसमें तो कोई किंतु परंतु हो ही
नहीं सकता ना, इस वजह से यार देखो थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कल कल की और बात है, फिर तो पिताश्री आ जाएंगे, उसके बाद तो धूम धड़का उठा देंगे अपन, बहुत सारी नई नई चीज दिखाऊंगा और बहुत जल्दी स्कॉर्पियो एन और क्लासिक की ड्रैग रेस आएगी अपने इसी चैनल पे, मजा आ जाएगा आप लोगों को वो देख के और पता भी चल जाएगा कौन सी गाड़ी में ज्यादा पावर है। अब अपन कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत बही खाते का काम कर लेते हैं। अपने से आज मिलने हैं अपने सब्सक्राइबर, जिसमें सबसे प्यारा सब्सक्राइबर ये है हैप्पी यार, तू तो बहुत हैप्पी है, एक बरस दे इसकी हंसी देख के मजा आ गया। और ये भाई साहब है जिनका वेटनरी का काम है और भाभी जी का घर का ही काम है, वो लोग बढ़िया लगते हैं एकदम बढ़िया। अभी भाई साहब एकदम सीधे कैसे हो गए हैं, इतनी देर बोल रहे थे। मैं एक चीज बताऊं, कैमरा चलते ही आदमी है ना अपनी शरीफाई दिखाने लग जाता है कि भाई मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है। नहीं यार हम तो क्या अच्छे अच्छे हो, नॉर्मल आदमी है। नहीं आपसे मिलके ऐसा लगा कि फैमिली में बैठा हूँ, सबसे अच्छा मेरे को लगा ये हैप्पी। मोटा भाई भी दुकान पे आ गया, मम्मी आपका जो घुटना पक रहा है ना उसके लिए भाई साहब वेटनरी के डॉक्टर है, तो आपका इलाज इनसे होगा, आप इंसानों से काम नहीं चलेगा आपका, हो जाएगा ना भाई साहब, हो जाएगा एकदम सही। आप देख लो, अपन इंसान है, जानवर भी इंसान ही है। तो वो तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मम्मी के डोज ज्यादा लगेगी, इंसान वाली काम नहीं कर रही, खूब दिन हो गए मेरे को परेशान होते हुए। इलाज करता है नहीं भैया, यही असली डॉक्टर है, बोलते नहीं है। तो जब भी तो आपका इलाज मेरे से नहीं हो पा रहा, आप मेरे को बोलने नहीं देती। पहले मैं जा रहा हूँ एक बार दीदी के पास, और क्यों जा रहा हूँ वो तो आप थंबनेल देख के समझ गए, क्योंकि भाई आज एक बर्थडे पार्टी में जाना है, और वो बर्थडे पार्टी किसकी है, दीदी की बेस्ट फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की बेटा बेटी की यार। तो हमारे तो होने से नहीं ना, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे भी बच्चे हो चुके हैं ना, और वहाँ जाना है, इसलिए मम्मी दुकान पे आई आज। पूरी गाड़ी भाई इतनी खड़खड़ खड़खड़ करती है ना कि पूछो मत आप। टिंग टिंग, पता नहीं कौन है, लाओ मैं फ्रिज में रख दूं, शो खराब हो जाएगा। कहाँ चल रहे हैं पहले बताओ, बर्थडे पार्टी में किसको लेके चल रहे हैं? आपको भानवी को ले चले। हाथ पे क्या बना रखी है? कैट बना रखी है। और ये इंजेक्शन में लगाया क्यों नहीं अभी तक? इंजेक्शन में रखो, चलो भाई ये कारिटेज ले रखा है, एक दिन पहले भी उसने इसको खराब कर दिया था फेंक के, फ्रॉड 100 रुपए का था। नो शिवन नहीं, आपने अभी पिछली वाली क्लिप देखी होगी जिसके अंदर शिवा इंजेक्शन फेंक रहा था, और मैं इंजेक्शन को पकड़ने लगा तो मेरे पास है ना, तो पांव की इतनी जोर से लगी कि दूर जाके गिरा शिवा, और यहाँ पे देखो कैसे हो गया इसके। अब दर्द हो रहा है? गलती किसकी थी बताओ? आपकी है ना, आपको फेंकना नहीं चाहिए। मैं इंजेक्शन को पकड़ने के लिए भाग गया, और ना इंजेक्शन पकड़ में आया और ना शिवा पकड़ में आया। कितनी देर तक तो रोया है, मेरा तो जी जल रहा है शिवा भाई, एकदम लाल हो रहा है ये देखो आप। सॉरी यार शिवा भाई, कल आ गई जब एकदम हमारी आंखें आंसू भर गए, मूड ही खराब हो गया, जाओगे मन कर रही हो पार्टी वार्टी। दीदी बोल रही चाल चाल अब यार, मतलब हमारी गलती कौन सी, लेकिन फिर भी टल्लो लाग गोर ओ पड़गो। तब दीदी थार कारण है, इंजेक्शन हमारी जेन आके अंदर डाल पे ली, मारो मेरे को, सजा दी जाए, सजा दो और सजा दो, सजा दो सजा, मेरे कर्मों की सजा दो। दीदी की पहली बार गाड़ी कहीं लेके जा रहा हूँ, मतलब कहीं आने जाने के हिसाब से, वरना तो भाई दीदी इतनी कंजूसड़ी है, इतनी कंजूसड़ी है, गाड़ी देती तक नहीं। क्यों दूं, तेरे चलाना तो आता नहीं। मेरे को चलाने नहीं आता, तेरे को आता चलाना? आता है कैसे नहीं आता, ऑटो क्या बोलते हैं, ब्रेक लगाना तो जोर से है, उसको क्लच की तरह ब्रेक लगा देगा तो गाड़ी तो ऐसी चलती है, एकदम रवा कर देते हैं इंजन को। और यार शिवा को जब भी देख रहा हूँ ना, तो एकदम से ऐसे दिल सेट सेट हो रहा। शिवा एक बार दिखाना, सॉरी यार शिवा, इससे कितनी बार सॉरी मांगी, मैं भी इसके साथ साथ इमोशनल हो गया जब सीन हुआ ना हमारे, गलती मेरी भी रही थी, गलती इसकी भी रही थी, इसने बच्चेपन में फेंका, मैं उसको इंजेक्शन को भाई फूटे ना उसको पकड़ने लगा, और ये थोड़ा सा इधर आ गया तो मेरी कमर की इससे की लगी, जो ऐसा भिड़ के गिरा ना, गिरा बहुत भयंकर था भाई, बच गया। लेकिन मानु शिवा के सिर में लगी, कैसे लगी यार? वो क्या, वो इंजेक्शन फेंक रहा था ये, तो मैं ऐसे भागा ना तो मेरी कमर की लगी इसके जोर से, तो गिरा सिर के बल धमाक। तो देखा जाए तो हम दोनों की गलती है, देखा जाए तो नहीं थी गलती। हम चारों के चारों जा रहे हैं बर्थडे पार्टी के अंदर, और बर्थडे पार्टी में जाने से पहले हमारे भैया एक युद्ध छिड़ गया। युद्ध क्या छिड़ गया? कुर्सी का। और कुर्सी का युद्ध तो आप जानते हो भयंकर चलने वाला है, क्योंकि आगे आ रहे हैं चुनाव। तो ऐसा है सिस्टम है कि बानू बोले आगे बैठू, शिवा बोले आगे बैठू, लेकिन शिवा को आगे नहीं बैठने दिया है ना शिवा, और मेरे को आखिरी में गंदा बता दिया, क्योंकि मैंने इसको चुप कराने के लिए थोड़ा सा काऊ से डरा दिया। इस वजह से केक खाना है आपको? मामा केक नहीं खिलाएंगे, मेरा केक शिवा खाएगा है ना शिवा, जाओ मेरे से। तो भाई नाराज है, पता नहीं क्यों आज स्कीर मेरी कुदरत की तरफ से ही नहीं बन रही, पहले ये गिर गया, फिर उसके बाद है जो भानु आज तक कभी सीट के लिए लड़ा नहीं, लेकिन लड़ ली। अब क्या मिल गया भानु आपको? मेरे को लग रहा है बच्चों की नजर लगी हुई है, तो नजर भी उतरवाएंगे। हम आए बर्थडे पार्टी में यहाँ हाउस ऑफ प्ले, देखते हैं देखे कैसा है, इसका नाम तो खुना है भाई, अंदर जाके देखने में पता चलेगा क्या है अंदर। भानु मजा आ रहा है इसमें भाई, इस तरीके से बर्थडे पार्टी देखो एक बार आप। हुआ यार बच्चों के लिए तो बढ़िया सोदा है यार, अंदर आते ये देखो, और एक्सीडेंट हो गया तो भानु बढ़िया सोदा है, तो गजब पका रहे हो आप तो। ये फ्लाइट भी मस्त, और इसके अंदर का पायलट दिखाऊं, ये पायलट है भाई, है मस्त लग रहा है, देखो कैसे बड़ा हुआ है, ये अपने आप जाएगा। बानू तो सब कुछ मचका डाला यहाँ पे, सब कुछ भयंकर तरीके से खेल कूद चल रही है बानू की। बानू इधर देखना एक बार,
कौन सी ट्रेन चला रहा है? और ये दीदी की बेस्ट फ्रेंड मनीषा दीदी, ये क्या हो गया? ये जी वाले मारा मुझे, देख ओ पूरा छील दिया कल। नमस्ते। तो ये है मनीषा दीदी की सासू जी, और देखो कितने मतलब मॉडर्न एकदम स्मार्ट। जी जी हाँ, मतलब चार पीढ़ी एक साथ हो गई ना, आंटी फिर ये आंटी फिर मनीषा दीदी और ये गुड़िया। बर्थडे किसका? मेरे को मिलाओ तो सही, आपका तो पूरा मुंह छील दिया भाई। क्या करें, बेटा है बेटा, तो तू बोलना है बर्थडे, वो खुद ही गले मिल लेगी, समझ रहा ना, समझ रहा इसकी बेटी है जो सबसे सुंदर दिखे वही है। और देखो पीयू हमारे साथ नहीं है, लेकिन पीयू के लिए यहाँ पे कितना सारा सिस्टम था, वो आज उसके मामा का बर्थडे था इसलिए वो नहीं है। बाकी पीयू देखो ब्यूटी सैलून है, पूरा यहाँ मेकअप कर सकते थे। ओ तेरी शिवा भैया, गाड़ी भगाने में लगा हुआ है, मस्त शिव भाग रही है भाई, भगाओ भगाओ भगाओ, और तेज भगाओ, और तेज भगाओ, तेज भगाओ। मैं आया हूँ वापस बाहर शिवा के इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि शिवा अब खाना खाएगा तो इंजेक्शन लगेगा। अब इतने बच्चों में जब इंजेक्शन लगता है ना, उसमें तो उसको अजीब सा फील होता है। यहाँ पे स्नैक्स पार्टी चल रही है, पहले हमें पनीर पकौड़े मिले तो किसी को नहीं खाने दी, शिवा सबको रखते जा रहे हैं। शिवा खा लेने दो ना यार। नहीं बच्चों को अब आएगा मजा। ओ भाई ये क्या गया, आंटी कहाँ जा रही है? और ये काम सही लगा, बहनु जाके दोस्ती करें। डोरेमोन है शिवा। ए क्यूटी, क्या हुआ? चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल अच्छा लगा केक भाई। गानों की वजह से कॉपीराइट ना जाए, पता नहीं कितना डाल पाऊंगा नहीं, लेकिन इसको केक मिला है खाने को। सॉरी आपके सिर पे लगी, तो देखो देखो अब हो चुके हैं बर्थडे से फ्री, और मम्मा के पास जाना है जल्दी, लाओ चाबी दो, नानी अकेली है और दुकान पे बंदर कड़ी के। और पीछे देखो बच्चे भैया गिफ्ट खोल रहे। जीवा जीवा से देखो ना, जीवा नहीं देखता, जीवा मेरे साथ बैठेगा। और यार एक चीज बताऊंगी, बर्थडे पार्टी भाई एक नंबर, ओसम भाई एक नंबर, मजा आ गया बर्थडे पार्टी में। रियल में जो कहते हैं ना बच्चों के मतलब की पार्टी थी। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों ले रही भाई? इसका है राइटिंग बोर्ड। चौके हो गए मजे, डालो ना रिवर्स गियर, चलना है। पार्टी से ज्यादा तो मेरे को बच्चे देख के मजे आ गए। इतने क्यों, गाड़ी चलने तो दो, लगाओ लगाओ ड्राइवर साहब रिवर्स। मम्मा की गाड़ी कितना एवरेज देती है? 12-13 का एवरेज देती है, और ये दे रही है 11 का एवरेज। अब तो शिवा को भी याद हो गया भाई ये गाड़ी इतना एवरेज देती है, तो सर्विस हो जाते हैं इसकी, फर्स्ट सर्विस के बाद देती है गाड़ी एवरेज सब। अरे दिस सर्विस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी जब तक हाईवे पे नहीं चलेगी ना, अब एक बार ही है। अब वो टाइम तो जा चुका जब सर्विस पे कुछ इंजन में छेड़ाछेड़ी करते थे। ये सब कहने की बात है कि सर्विस के बाद एवरेज बढ़ाती है, एवरेज बढ़ाती है गाड़ी एक बार हाईवे की रनिंग से। तो अब एक काम कर, तू मेरे को दे 10,000 रुपए और मैं कल कहीं घूम के आता हूँ, खुद लेके जा डला घूम। पेट्रोल की भट्टी हमसे ना चल पाएगी, ऐसा मत सोचना सुशील भाई। आप तो जिस गाड़ी में बैठो उसी की तारीफ करते हो, हाँ उसी की करता हूँ, आप भी अपनी गाड़ी लाओ उसकी भी कर दूंगा। आप भी लो एक्स्ट्रा, भर भर के लाओ। नहीं एक्स्ट्रा अच्छी गाड़ी नो डाउट, बट माइलेज कम है यार। देखो लड़कियों के पर्पज की अच्छी गाड़ी है। लो जी भाई दुकान से ले लिया मोटा भाई को, लिया हमने हमारा जमला। सीट बेल्ट कौन लगाया आपके दादाजी? तो हम यही चल रहे, यही से क्या मतलब है, दुर्घटना बता क्यों होती है? बेल्ट लगाओ पूरा, कहीं लगाओ रे भाई, थारे तो यार तो सर टम से टम पड़े। बानू हमारे घर में पूजा करता है क्योंकि हमारे लगी हुई है सूतक। बानू अच्छे से करना पूजा। नानी की नहीं करती। क्यों? हमारे घर में माजी मामी का न्यू बेबी पैदा हुआ है ना, संडे तक मेरे को ही करनी है। अच्छा संडे तक आप पूजा करोगे? सुबह भी कर सकते, शाम को भी कर सकते। तो आप इतनी स्पीड से क्यों बोलते हो, कोई रेलगाड़ी छूट रही है आपकी? हाँ। तो ये कौन से देवता थे बताओ? मेरे को नहीं पता। सालग्राम जी। हाँ। तो भाई पूजा पाठ का टेंडर बानू का ही, हमारे सबकी पूजा अच्छे तरीके से नहलाएगा धुलाएगा, शिव जी को भी नहला दिया। ये आरती भी आप कर दोगे? आरती भी कर दोगे आप? जय गणेश, जय गणेश बोल देता हूँ आया। हे गुरुदेव आशीर्वाद देना बच्चे को। वाह जी वाह, निर्धन को माया।
आज मेरी मम्मी का दिमाग पता नहीं कहा है, दूसरी बार दूध पिला दिया। मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा क्या? अरे कोलेस्ट्रॉल कोई बढ़ा लो जो बढ़ा लो, मारे दिमाग मेरी भैया मैं एक बारी को पकड़ा रहा है। दिमाग कहाँ है आपका? एक दिन 3 घंटे दुकान क्या चलेगा? आपके दिमाग ही आउट हो गया। ऐसा नहीं हुआ, मेरा दिमाग आउट। और वो भैंस वाला इंजेक्शन कहा जो आपके पाँव के अंदर लगाना है? तू तो वो सतन कर दी रहे हमारे। एक महात्मा जी जो रास्ता और जा रही जना मारी सतन जी कहते महाराज खुर लागू महाराज को गुस्सा में भाई अच्छा स्पर्श करती दो दिन छू ये बोलती है ये क्या बोली खुर लागू छू कहते नरक में जाजिए ये समझ गई भाई नरक ही स्वर्ग हो चे कहते महाराज मारा भाग्य में खड़े नरक नरक तो थे ही जाओला महापुरुष। मम्मी बन रही जो खुद तू खुद ने महापुरुष समझ ली। समझ को मतारी बात ने भाई बोली डाली जी भाई खेती की महाराज मार घटे नरक ली खेचे नरक तो गली खेचे तो उल्टो ना महाराज ने महाराज भाई महाराज थे चो महापुरुष थे जाओ मान खटे नरक नसी बोलो। ये कैसे बनाई टी शर्ट? ये टी शर्ट मैंने क्या बोलते इतनी बड़ी थी इतनी। अच्छा मैंने इसको फोल्ड किया और दादी से सिलवा दिया। और ये क्या बनाया आज? ये देखो। अच्छा इसने पूरा इंसिडेंट बनाया? इससे लॉजिक बनता है कि मामा की मिस्टेक की नीचे लिखा मामा मिस्टेक जीवा इंजेक्शन फेंका फिर मामा आए उनकी टांग जीवा के अड़ी फिर जीवा जले से नीचे पड़ा। अच्छा तो मामा की मिस्टेक हो गई और शिवा ने जो इंजेक्शन फेंका उसमें शिवा की मिस्टेक नहीं हुई? नहीं वो तो मेरे को मार लो तुम। नहीं वो तो पैसा मिस्टेक था। अच्छा पापा कब आ रहे? पापा आ रहे हैं ना कल। तो आपको पिया की याद नहीं आती? पिया की याद आ रही तो सपना कहीं तो आसी जी हसी गाना गा दिया करो याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में। अच्छा मतन बोलू जनार कहीं तो चलो भाई रात हो रही है ज्यादा और नींद आ रही है पूरी और आप लोग भी धंधे जाओ ब्लॉग देखते देखते और जो खाना करे वो तो खाना खा ही रहे जो सो रहे हैं वो सो ही रहे। सुबह जल्दी उठे जी। बस जल्दी उठो जो मम्मी आज का तो लेट ब्लॉग है जो जो भी आए हुए तो आज के इस ब्लॉग को करते यही एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आसपास कूड़ा कचरा मत फेराओ। राम राम।